अभी मैं और मेरी सासू माँ और दीदी जा रहे हैं ऊपर जंगल में, और यहाँ पे हमारे धान में भी बालियाँ आने लग गई हैं, लेकिन अगर उस टाइम मस्त मस्त बारिश आ गई है जंगल में। और ये है हमारी सिटोली का जंगल, और पहाड़ों में ना ऐसे मस्त पानी निकलते रहते थे झरने की वजह से। तो गाइस इसके पैर में लग गया है जॉक, ऐसे तो खा लिया खून ये। तो फिर से मैं जा रही हूँ अभी घर, बस पे थोड़ा सा टीके का लगता है शायद आज मेरा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैंने भी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में ब्लॉग में। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी काफ़ी मस्त हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ दुकान से घर, दुकान से हम घर जल्दी क्यों आए हैं वो भी आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कुछ स्पेशल है आज, अभी देखने को मिलेगा आपको। हाँ, तो अभी मैं और मेरी सासू माँ और दीदी जा रहे हैं ऊपर जंगल में, और क्यों जा रहे जंगल में देखते हैं। और आजकल ना मड़ुए में भी देखो बालियाँ भी आने लग गई है, तो हमारे खेत में भी देखो मड़वा आने लग गया है। टाइगर भी दौड़ के आ चुका है, और अभी का मौसम देखो काले बादल लगे हैं आसमान में, बारिश होने की संभावना हो रही है लेकिन बारिश अभी हुई नहीं है। ये चले गए हैं सासू माँ आगे आगे, और यहाँ पे हमारे धान में भी बालियाँ आने लग गई है। ये देखो इतने अच्छे धान हो गए हमारे, तो जाने लग गए हैं हम भी जंगल की ओर। और ये देखिए इस खेत में पूरी तरीके से मड़वा उग चुका है, और हमारे पहाड़ों में ना मड़वे की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि मड़वे का आटा काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए, और इससे काफ़ी बीमारियां भी दूर होती हैं, तो इसलिए मड़वे की खेती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है। तो पहुँच चुके हैं हमने अपने घर से रोड में, और यहाँ पे है माता रानी का मंदिर। ये है माता रानी सभी का भला करना। यहाँ पर दिखाते हैं तो ये दोनों दोस्त को देखो ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। हम दोनों ना लव वाले हैं, हम एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आ रहे हैं किसी से। सो गाइस चलते चलते आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, लेकिन आधे रास्ते में पहुँचते पहुँचते बारिश आ गई है, और अब हम घर को जाते हैं। और सासू माँ कहाँ लेके जा रहे हैं हमको आज? आज ले जा रहे हैं इनको मॉर्निंग वॉक पर, इवनिंग वॉक पर, इवनिंग वॉक पर। तो आ चुके हैं हम अपने घर से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जंगल में, और यह है हमारी सिटोली का जंगल, जहाँ हम पहले पिरूल लकड़ियाँ कितने कुछ लेने आते थे। यहाँ आज काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं हम यहाँ, और सासू माँ यहाँ लेके आ चुकी है। हाँ सासू माँ की खैर नहीं, अगर काम नहीं हुआ तो काम हो, रील बना लेंगे। हाँ जंगल में हम आए हैं आज सब्जी ढूंढने, तो देखो सासू माँ को इतना मिल चुका है, दिखाओ ये देखो। मेरी सासू माँ ने ब्लॉग में बोला था ना कि मैं अपने बहू को बताऊंगी कि क्या होती हो सब्जी, तो यही होती हो देखो। और मुझे ना ये काफ़ी पसंद भी आती है, तो इसलिए मैं इनको बोलती हूँ मम्मी को कि चलो चलो। तो आज इसीलिए हम जल्दी आए हैं दुकान से सब्जी ढूंढने के लिए। और पहाड़ों में ना ऐसे मस्त पानी निकलते रहते थे झरने की वजह से, और एक छोटी सी नदी है, ये काफी मस्त लग रहा है। तो गाइस देखो नीचे नीचे को कम हो रहे थे और ऊपर को इतने ज्यादा हो रहे हैं, देखो मस्त वाले। और टाइम भी ज्यादा हो चुका है अब, तो थोड़े ऊपर तक और जाता है, उसके बाद हम लोग भी चलेंगे घर को। तो चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो गाइस इसके पैर में लग गया है जॉक, फूल खा दिया रे मेरा। और मैंने पहली बार देखा है जग, वो भी मेरे सासू माँ ने बोला जग लगेंगे, तब देखा मैंने उन्होंने निकाले, अब दीदी के पैर से निकाल रहे हुए। तो इतने लून ढूंढ रहे हैं, ये देखो इसके पैर से इतना खा लिया खून, ये इतनी मेहनत करके। और यहाँ पे देखो ऐसा वो भी है क्या,
उड़ियार पहले से लोग जब यहाँ बारिश आती थी तब औरतें यहाँ बैठती छुप जाती थी, जैसे जंगल आती थी तो बारिश वारिश आ जाता, या गोला आता था, वो गोला वाले भी लोग भी रहते हैं ना, तो जब बारिश आती है ना तो इसके नीचे से बैठ जाते हैं सब लोग। लेकिन अब तो रिस्क है क्यों बोलो, आजकल तो बारिश भी इतनी गंदी हो रही कि वो पत्थर ही नीचे आ जा रहा। तो इतने झूले में तोड़ दिए हमने लून और अब हम जाने लग गए हैं घर को, तो टाइम भी हो चुका है 6:22, तो फटाफट चलते हैं घर को क्योंकि घर जाके भी काम करने हैं। लून तो चाल गए हैं लेकिन खाना वाना भी बना। तो गाइस इस पेड़ में ना बहुत सारे कड़ेल भी हो रहे हैं जिसको हम लिट्ठू बोलते हैं हिंदी में, तो इनसे हम पहले से खेला करते थे और अब वो दिन चले गए हैं। ये देखो कितने सारे हो रहे हैं, लेकिन जो अब आने वाले बच्चे होंगे इनको पता भी नहीं होगा इनसे हम कैसे खेलते थे। क्या करी बानी काट लिया है लून और इसमें देखो हल्के हल्के मूली के, मतलब मूली के टुकड़े भी काटे हैं, तो इससे टेस्ट और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है सब्जी। डाल दिया सबसे पहले प्याज, इसका डाल दिया लहसुन कूट के, हमें इससे फिर जमने घर के मसाले। सो गाइस बन चुकी है हमारी लूणी की सब्जी और खाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और अगर आप लोग को भी खाना है तो आ सकते हैं। लोहे की कढ़ाई भी बनाई हमने काफ़ी मस्त, तो देते हैं पापा को पहले उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो ये रख दिया मैंने मट्ठा पापा के लिए रोटी सब्जी, चलते हैं पापा को देने के लिए। सो गाइस हम लोग भी खा लगा खाना और सब्जी ना काफ़ी टेस्टी रही है सासू माँ ने, और मेरी ही जीत थी उनकी कि मेरे को लून की सब्जी खानी है, और मेरी सासू माँ ने मेरी बात मान ली। देखो काफ़ी सक्सेस सब्जी हो रही है, मैं आ गया और साथ में मट्ठा। सो गाइस कल रात को खाना वाना खाने के बाद अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी दुकान से, क्योंकि सुबह से ऐसे ही हो रहा था, थोड़ा टाइम का इशू हो रहा था तो इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अभी मैं हूँ दुकान में और अभी टाइम हो रहा है कितना, 1 बज चुका है, तो फिर से मैं जा रही हूँ अभी घर, क्योंकि आज हमारे जो अंकल जी एक्सपायर थे उनको 13वां दिन हो गया, तो उसी की पर्पज़ पे थोड़ा सा टीका वीका लगता है शायद आज हमारा, और कल से हमारी पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर क्योंकि हस्बैंड जी आज के मुझे लेने के लिए, तो चलते हैं फटाफट से और दीदी को मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। पूजा पाठ भी कर ली इन्होंने, देखो आज टीका लग गया है, मम्मी को बुलाया है घर, टीका लगाते हैं फिर खाना खाते हैं। अच्छा सो गाइस आज पूरे 13 दिन बाद हमारे मंदिर में दिया जला हुआ है और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, भगवान जय उपवास करना अच्छा करना सबका भला करना भगवान, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आज की मंदिर में दिया जला है। देखो तो मैं भी फटाफट से टीका लगा लेती हूँ, लग रहा है इनको टीका, देखो आज हम पूरी तरीके से शुद्ध हो गए ना। खाना वाना खाने के बाद मेरे आ चुके थे दुकान में, दुकान में आने के बाद मेरे दो कस्टमर मेरे यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो फटाफट से मैंने पहले उनका काम किया तब जाकर। सो गाइस घर भी आ चुके थे दुकान से, तो आज का ही छोटा मोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप
ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।